गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, स्पीकिंग करते समय आप लोग अधिकतर ये क्वेश्चन करते हैं कि जब भी हम लोग स्पीकिंग करना चालू करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग सेंटेंस मेकिंग नहीं कर पाते हैं। कि सेंटेंस को कैसे, उसका स्ट्रक्चर होगा और कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, पहले क्या आएगा और ये किस टेंस का, ये आपको पता लगाने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आपको जो टेंसेस हैं, अगर सारे टेंसेस की बात करें तो 12 टेंसेस होते हैं और उनके 4 पार्ट और 3 अलग अलग टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो 3, 4, 12, तो 12 जो सेंटेंसेस हैं उनके स्ट्रक्चर को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये अलग है। लेकिन मैं आपसे स्पीकिंग करते समय, अगर आप उसी पर ध्यान रखकर स्पीकिंग करेंगे तो आप शायद स्पीकिंग कर पाएंगे। लेकिन आपको ये 12 टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा मॉडल्स होते हैं, उसके अलावा और भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन ये 12 टेंसेस और मॉडल्स के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। तो मैं आज आपको ये 12 जो टेंसेस हैं उसका मैं उसका फार्मूला और उसका एक एक सेंटेंस मैं बना के बताता हूँ मैं, और आप उसकी जगह पर सब्जेक्ट बदलकर, वर्ब बदलकर, हेल्पिंग वर्ब बदलकर आप अपने तरीके से बहुत से वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से बोलना सीख जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लाउडली प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके लिए फ़ायदा होगा। चलो चालू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट, सब्जेक्ट ही हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गया, उसमें मैंने एस लगाया क्योंकि ही शी नेम सिंगल में एस एस आता है। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। पास्ट सिंपल सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वह क्रिकेट खेलता था, ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट, अब भी यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगा। और जब इसका नेगेटिव इंटेग्रिटी बनाएंगे तब आप डिड का इस्तेमाल करेंगे, और जब डिड का इस्तेमाल करेंगे तो आपका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। और प्रेजेंट सिंपल में आपको डू डस का इस्तेमाल करना है नेगेटिव इंटेग्रिटी बनाने के लिए। फ्यूचर सिंपल, वह क्रिकेट खेलेगा, सब्जेक्ट विल शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही विल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे, वी शेल प्ले क्रिकेट। दोस्तों यहाँ पर आई और वी के साथ हमें शेल लगाना है नॉर्मली, वैसे विल स्पोकन में यूज़ किया जाता है, आजकल हर जगह विल ही यूज़ किया जाता है, अब हर जगह विल भी यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कभी कभी शेल यूज़ करना है तब आप आई और वी के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमारे थे सिंपल टेंस, तीनों सिंपल टेंस ले लिए। अब मैं आपको कंटिन्यूस टेंस के बारे में बता रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब में आईएनजी, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। पास्ट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब में आईएनजी। कंटिन्यूस टेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसमें वर्ब में आईएनजी आना ही आना है, क्योंकि कोई काम कंटिन्यूएशन में चल रहा है, हो रहा है। वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। तो आपको वास कब आता है, वर कब आता है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ये आप अपने किसी और टेंसेस में देख लीजिएगा, वास कब आता है, वर कब आता है। अब आ जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस में। फ्यूचर कंटिन्यूस का फार्मूला होगा सब्जेक्ट विल बी या शैल बी वर्ब में आईएनजी, तीनों बार में वर्ब में आईएनजी आ रहा है। वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब आ जाते हैं हम लोग परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस की सबसे बड़ी पहचान है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तीनों टेंसेस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट हैज़ है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट। पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, तुम क्रिकेट खेल चुके थे, यू हैड प्लेड क्रिकेट। कोई भी सब्जेक्ट रहे आपको हैड ही लगाना है, इसका हेल्पिंग ऑफ एक ही है। फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट विल हैव शैल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, वह क्रिकेट खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट। अब हम लोग आ जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, जिसमें वर्ब में आईएनजी लगेगा और हैव बीन
हैड बीन विल हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें आपको समय पर ध्यान देना पड़ेगा, समय के साथ हम लोग से का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला होगा, सब्जेक्ट हैज हैव बीन वर्ब में आईएनजी, सिंस फॉर और दिया गया समय। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तुम दो घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर टू आवर्स। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। ये एक वीडियो में मैंने इसको डिटेल्स में समझाया है कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। आप उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो दिया होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब में आईएनजी, सिंस फॉर और दिया गया समय। वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। तुम 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहे थे, यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वह अगले रविवार से क्रिकेट खेलता रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस नेक्स्ट संडे। आप अगले जनवरी से प्रैक्टिस करते रहेंगे, यू विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस नेक्स्ट जनवरी। तो आपको इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस बनाना है, इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि सेंटेंस की बनावट तो आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसी को अगर हम लोग सकता है में यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट कैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वह क्रिकेट खेल सकता है, ही कैन प्ले क्रिकेट। कोई भी सब्जेक्ट रहे, आपको सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए कैन ही लगाना है। सकता था, सब्जेक्ट कुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म आएगा। वह क्रिकेट खेल सकता था, ही कुड प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल सकते थे, वी कुड प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर हमें कहना है कि वह खेल सकता था पर खेला नहीं, काम अधूरा रह गया, तब आप लोग कुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ही कुड हैव प्लेड क्रिकेट। इस सेंटेंस को बोलने से ऐसा लगता है कि वह खेल सकता था पर किसी मजबूरीवश नहीं खेल पाया। मैं तुम्हारे घर आ सकता था, आई कुड हैव कम टू योर होम, बट कोई कारण रहा होगा कि मैं नहीं आ सका। चाहिए, केवल हमें चाहिए बोलना है तो शुड लगाना पड़ेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। किसी क्रिया को अगर हम लोग चाहिए बोलेंगे तो आपको शुड लगाना पड़ेगा। जैसे तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड प्ले क्रिकेट। शुड भी सभी सब्जेक्ट में यूज़ किया जाएगा। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको मैंने शुड, मस्ट और ऑट टू के बारे में समझाया, जिस तीनों का मतलब चाहिए होता है लेकिन तीनों के सेंस में अंतर रहता है, इसे आप देख लीजिएगा। तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था, किसी एक्शन को हम लोग चाहिए था बोलेंगे तब क्या यूज़ करेंगे, तब यूज़ करेंगे सब्जेक्ट शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट। हमें क्रिकेट खेलना चाहिए था, वी शुड हैव प्लेड क्रिकेट। तो दोस्तों ये सारे सेंटेंसेस है, इसको बनाने की कोशिश करना है, समझना है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसके स्ट्रक्चर को समझिए और ये पता लगाइए कि आप किस टेंस में बात कर रहे हैं और कौन सा टेंस है। टेंस को पता लगाना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब भी क्वेश्चन किया जाएगा तो उसका जो जवाब है आपको उसी टेंस में देना पड़ेगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किस टेंस में बात हो रही है, किस टेंस में आपको बात करना है। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे रिलेटेड और भी आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछें, उसका वीडियो बनाने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश, नए प्रयोग के साथ। थैंक यू।